तो जनाब, जब हफ्ते का आखिरी दिन होता है ना, तो एनर्जी लेवल आपका वैसे ही बहुत डाउन होता है। इस वक्त छुट्टी का टाइम होने वाला है, मेरी छुट्टी का टाइम होने वाला है, लेकिन आज हम घर नहीं जाएंगे। आज हम आपको साथ लेके जाएंगे ज़रा ओस्लो की तरफ, शहर की तरफ, क्योंकि सारी फैमिली पहुंची हुई है ऑलरेडी शहर में। क्यों, ये हम आपको जाके बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको एक न्यू व्लॉग में। तो वैसे अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, आप जरा रुके, मैं चेंज करके आता हूँ। तो हम हैं अब तैयार जाने के लिए। मौसम चेक करेंगे जरा आप आज। ये तो सन ग्लासेस वाला मौसम आ गया है, और हमारे लिए ये ज्यादा अहमियत इसलिए भी रखता है कि पिछले 10 कुछ दिन से ना मुसलसल बारिश हो रही है, मुसलसल, और आज इतना अच्छा मौसम मिल गया हमें, तो इसलिए भी बाहर जाना चाहिए। आज तो मुझे लगता है कि सारा शहर ही बाहर होगा, आज लोग घरों में नहीं बैठे होंगे, शहर में इंजॉय कर रहे होंगे बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। हाय, वालेकुम अस्सलाम। भागी हो? अब उतार दो, कहती अब उतार दो, बस बहुत हो गया है ना जी। आज बेसिकली ओस्लो में जो है सिटी फेस्टिवल भी है, और हम इस वक्त ग्रोनलैंड में खड़े हैं। यहाँ खाने पीने का काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, मुझे नहीं पता कि देसी खाना है कि आप तो पहले से आए हुए हैं ना। आए हैं पर फिर तो नहीं मिला, देसी नहीं मिला आपको है? तो देखिए ना, आप इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे वैसे भूख लगी तो मुझे लाजमी कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। हाँ, ये इस्तंबोल वालों का है। हाँ, फिर तो ठीक है, खा सकते हैं। ये कौन है, ये मार रही है? ये नया अफगानी अफगानिस्तान का रेस्टोरेंट खुला है, अभी तक हमने ट्राई नहीं किया। वैसे ट्राई करना नहीं चाहिए फिर हमें? करना चाहिए आज। आज नहीं, नहीं आज नहीं करना, आज बहुत रश है। आज वाकई नहीं, लेकिन किसी दिन आके ट्राई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रश चेक करेंगे ज़रा। लोग इस वक्त खूब खाना शाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इधर। इनको देख देख के तो मुझे भूख लगने लग गई है और ज़्यादा। ये जो लोग बैठ के ऐसे खाना खा रहे हैं ना, इनको देख के मुझे याद आ गया कि जैसे पाकिस्तान में नहीं लंगर खुल जाता, सारे बैठ के बाद में लंगर खा रहे होते हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं इधर। आप लोगों को भूख लगी है वैसे? मुझे तो थोड़ी। हाँ, तो उधर से कुछ लेते हैं फिर हम भी कहीं बैठ जाते हैं। आयशाने, आयशाने, मामा, मामा चली गई। तो बेसिकली फूड स्टॉल जो हैं वो ग्रोनलैंड में लगे हुए हैं, और गेमिंग का कहीं और लगा हुआ है कुछ, गेमिंग के लिए ना, जिनको इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्टेड है, बच्चों के लिए भी कुछ है। हाँ नहीं, वो तो मिल जाएगा, हमें पता है किधर है, लेकिन ये कि मुझे लगता है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि वो जैसे स्टेज पर परफॉर्म करना है उन्होंने, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो थोड़े बड़े बच्चे हों तो उनको समझ आएगी ना। आयरा तो अभी बेचारी वैसे इंजॉय कर रही है, वो हमारे साथ घूम फिर के। अभी खाने का डिसाइड हो रहा था, इधर कोई खास मज़े की चीज़ नहीं है खाने वाली, तो हम कहीं और खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन अम्मी ज़रा डामाडोल हो रहे हैं कि हमारे साथ चलना है कि नहीं, क्योंकि अदीला भाभी जा रही हैं, उनको कोई काम है, तो अम्मी को समझ नहीं आ रही। अम्मी वैसे भी खाती नहीं है कुछ, बाहर कुछ नहीं खाना अम्मी ने, अम्मी ने घर में ही खाना होता है। तो फिर क्या इरादा आपका? हमें तो लगी है भूख, हमने तो कुछ खाना है ना। अम्मी को देखें, हाली बेबी स्ट्रॉलर चला रहे हैं, है ना? हाँ, धानी बैठा हुआ है, ये देखो धानी, वाह। तो ये क्यों नहीं बैठी हुई मैडम जरा? हैं मैडम आराम से खाना खा रही हैं इधर लटक लटक के। बहुत पानी आया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 10 दिन से मुसलसल बारिशें हो रही थी। तो अम्मी को भी मजबूर करके हम अपने साथ ले ही आए, हमने कहा आपने घर जाके क्या करना है, हमारे साथ कुछ खाएं पिए, है ना अम्मी? तो आप देखते हैं अम्मी कुछ खाते भी हैं या नहीं, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ देसी खाना नहीं मिलता। ओते के मिलता है, ओते मिलता है अरबी शवरमा। तो बेसिकली ये जगह जहाँ हम जा रहे हैं हमारे लिए थोड़ी अहमियत भी रखती है, अहमियत की हाबिल है, मैं वो बताता हूँ। तो बेसिकली इस जगह का नाम पहले होता था सजान, और ये अभी मुझे नहीं पता कि ज़ाहिर मालकान वगैरह भी चेंज हो गए होंगे, अब इसका नाम कोई और है, लेकिन अभी भी ये अरबी ही है।
पहले भी ये सीरिया के लोग ही थे। तो यहाँ हम जब 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 इस टाइम ये टाइम पीरियड था ना हमारा, मैं और मकसूद और जुल्फी भाई वगैरह भी, अबू बकर, ये सारे हम यहाँ बहुत ज़्यादा आया करते थे। हमने इसका नाम रखा था दरवेशों का डेरा, तो हम इस डेरे पे आया करते थे। यहाँ हमारी यादें हैं, हम आराम से बैठे रहते थे, पिज़्ज़ा वगैरह या जो भी चीज़ें उन्हें खानी होती थी वो खाते थे और बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशंस किया करते थे। तो हमारी मतलब कमाल की डिस्कशंस हुआ करती थी, तो इसलिए हमारे लिए अहमियत का अमल है। बहुत साल हम यहाँ आए, तब वो लोग हमें जानते भी थे ठीक ठाक किस्म के ना, मतलब जब हम आते थे उनको पता था कि ये लोग आ रहे हैं और क्या खाएंगे, और हमारे साथ वो बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। और अब इसका नाम है जैतूना, तो वेलकम है आप सबको जैतूना पर। जैतूना, तो ये साथ ये रेस्टोरेंट है और साथ ही ये मस्जिद है राबता जिसका नाम है। ये खातून देखे जरा टेबल पर चढ़ के बैठ गई हैं खातून। यहाँ अम्मी को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप भी कुछ खा लें, पर अम्मी डिस्कस किए जा रहे हैं पर खाएंगे कुछ नहीं। फिर भी आयशा पूरी कोशिश कर रही है कि बताए कि क्या चीज़ है और किस तरह का उसका मज़ा होगा। आपने तो डिसाइड कर लिया, आप क्या खाएंगे? शावरमा। हम सारे एक्चुअली शावरमा ही खा रहे हैं। यहाँ इस वक्त रश भी बहुत है और शोर भी बहुत है इस वक्त। आप पता नहीं आपको मेरे शोर की आवाज़ आ रही है या नहीं। वैसे ये जगह हमें मुतारफ़ करवाई थी, इस जगह का सबसे पहले जिन्होंने बताया था उनको क्रेडिट में देना चाहता हूँ, वो है नवीद और मजीद जो मेरे दोस्त हैं। सबसे पहले मैंने उनकी एक पिक्चर देखी थी इस जगह पर, तो मैंने कहा इतनी खूबसूरत जगह, काफ़ी मज़े की जगह लग रही थी ना, तो तब फिर हमने यहाँ आना शुरू किया था। तो ये भी हमने स्टार्टर के तौर पर डोलमा मंगवाया, कुछ अंगूर के पत्तों में कुछ होता है किसी तरह से तैयार किया, मुझे नहीं पता। आयशा ने और समीन ने पहले खाया हुआ, तो वो कह रहे हैं बहुत मज़े का था, हम आज ट्राई करेंगे। खाने के लिए हमने मंगवाया शवरमा सब ने, सवाए अम्मी के। अम्मी ने मंगवाई चम्पे। वाह जी वाह। तो अभी हम ये डोलमा खा कर ट्राई करते हैं कि ये खाने में कैसा। मुझे पक्का पता है कि मैं नाम इसका गलत ही ले रहा हूँ। थोड़ा खट्टा सा है लेकिन मज़े का है, माड़ा नहीं, काफ़ी अच्छा है वैसे, लेकिन थोड़ा खट्टा सा है, इसलिए खवातीन को ज़्यादा पसंद आता है। अभी हम डोलमा आयरा को खिला के ना ज़रा उसके पास रात देखना चाहते हैं, लेकिन वो भी खाने को तैयार नहीं है। ट्राई करो, ट्राई तो करो ना। नहीं ऐसे नाम नाम मामा खाती है। अब आप वैसे इनकार नहीं करती किसी चीज़ को खाने से। अभी आप ट्राई करें, अभी आप ट्राई करें। अम्मी को मैंने कहा डोलमा ट्राई करेंगे ना, जो मैंने खाया वो बाहर ना आ जाए। तो वैसे मैं आज बहुत इंप्रेस हूँ कि अम्मी ने जो चांपे मंगवाई थी वो खा ली है। अब हमें पता चला कि बाहर अगर जाना है अम्मी के साथ तो चांपे खा सकते हैं हम, एक चीज़ का पता चल गया। हेलो जी कुड़ियों, खाना कैसा था? मज़े का था ना? अम्मी आप बताएं। शुक्र है आपने खा लिया आज पहली बार जिंदगी में। खाना कैसा था? खाना मज़े का था। अच्छा आप बताएं। मुझे भी मज़े का लगा, मुझे तो वैसे ही भूख लगी हुई थी। और खाना मज़े का था। और मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं इधर बहुत पहले आया करता था, इधर रोज़ पिज़्ज़ा खाया करता था, तो बता रहा था कि उसके बाद से अब तक 3 मालकान चेंज हो चुके हैं। लेकिन वो कह रहा था कि हाँ हमें पता है सजान वालों का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता था, तब हम बहुत पिज़्ज़ा खाया करते थे इधर आकर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ गहमा गहमी चल रही है। आरा कह रही है मुझे निकाले, मैंने ज़रा पानी में हाथ साथ मारने हैं। ठंडा पानी है वैसे। जो मैंने आपको गेमिंग का बताया था वो इस वक्त यहाँ अंदर हो रहा है, क्योंकि हमारा गेमिंग से कोई काम नहीं तो हम अंदर नहीं जाएंगे। अंदर वैसे भी बहुत इस वक्त रश है, बहुत से यंग बच्चे बच्चियाँ जवान सारे अंदर गेमें खेल रहे हैं। Oh, oh, oh.
तो अभी हम इधर घूम रहे थे तो हमें एक भाई साहब मिले जो हमारे व्लॉग्स देखते थे, शहबाज उनका नाम था, शाउट आउट टू हिम, वो बर्गन से थे, इधर स्टडी कर रहे हैं। तो उनसे अच्छा लगा बात करके, मैंने उनसे पूछा कि कैमरे पे आना चाहते थे, कहते अभी नहीं, अगली दफ़ा मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन एक बात उन्होंने की, वो कहते हैं कि अक्सर व्लॉगर्स या टिकटॉकर्स को देखते हैं तो वो रियल लाइफ में थोड़े और होते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर और तरह मिलते हैं। तो आप लोगों को देखे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बिल्कुल हमें आपको देखते रहे व्लॉग्स में, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल वैसे ही हैं, जो रियल में है वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं, हम कोई फेक करने की कोशिश नहीं करते। और मुझे यकीन है ये बात आप लोग खुद भी फील करते होंगे कि हम बिल्कुल रियल दिखाते हैं, ये नहीं कि हम कुछ सच को ज़रा बढ़ा चढ़ा के या उसको सजा के कोई चीज़ ऐसी पेश करने की कोशिश नहीं करते, जैसे हम होते हैं वैसे दिखा देते हैं। आप आयरा को शौक चढ़ा हुआ है लीना की स्ट्रॉलर में बैठने का। यार हमारे पास तो टिकट नहीं है, अब क्या करें, मारो बात में चले, बात में हाँ बात वो पहले गया हुआ है। और 10 मिनट में हम पहुंच चुके हैं जिले लेसरम। इस वक्त अभी भी धूप काफ़ी ज़्यादा है, शाम होने वाली है। वैसे इसको देख के कितना प्यारा लग रहा है। अम्मी थक गए हैं आप? अभी थोड़ी देरी वैसे बाहर हैं, आप थकी गए हैं? चलें कोई बात नहीं, बस घर पहुंचने वाले हैं, बस में बैठ गए हैं हम, 2-3 स्टाफ हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो अभी जब हम आ रहे थे बस में, तो आपको पता है लेस्ट्रम में जो पानी है, तो पानी के उस तरफ जहाँ पहाड़ नज़र आ रहे थे और आसमान इतना प्यारा लग रहा था, पर्पल कलर में खूबसूरत, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं तो देख के माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह कह रहा था। लेकिन ये कि ना वीडियो बन सकती थी ना तस्वीर लेने हो रही थी, क्योंकि बस चल रही थी और काफ़ी दरख्त रास्ते में आ जाते थे। तो आई विश के मैं आपको दिखा सकता, आपको भी पता चलता कि कितना खूबसूरत प्यारा व्यू था वो। और इसके साथ जी हम पहुंच चुके हैं घर। आयरा को अम्मी ने ये मोटरसाइकिल लेके दी है, क्योंकि आयरा हर वक्त मोटरसाइकिल को कहती रहती है बूम बूम। हम शायद अफरीदी को बूम बूम कहते थे, आयरा मोटरसाइकिल को बूम बूम कहती है। एनीवेज वक्त हम घर पहुँचे हैं और घर में कोई नहीं, क्योंकि जुल्फी भाई और दिला भाभी कहीं जाना था, वो कहीं गए हुए हैं। अबू बकर घर में है ऑब्वियसली, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वो सो रहा है आराम से। वैसे मैंने उससे फ़ोन करके पूछा था कि अगर आपको शवरमा वगैरह चाहिए तो हम ले आते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना खाने का इंतज़ाम खुद करूँगा। तो हमने चेंज वगैरह कर लिया। तो मैं एक बात एक्चुअली कहना चाह रहा था, ओ मामा की बेटी, मामा मामा मामा, एक हमारी बहन है जो एक्चुअली व्लॉग्स देखती हैं, उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने पिछले व्लॉग में एक कमेंट किया था कि जब पता हम दोनों जा रहे थे, बल्कि आयशा भी साथ थी लेकिन आयशा थोड़ी पीछे थी, तो हम बात कर रहे थे जब हम 157 स्टोर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनको बुरा लगा कि आयशा बेचारी पीछे चल रही है और हम दोनों आगे चल रहे हैं। तो आयशा सुन रही है और हंस रही है उधर से। असल में होता है इस तरह है कि जब आप व्लॉग कर रहे हो तो हम ये सोच के नहीं करते कि मतलब हमने कौन किसके साथ उस वक्त जा रहा है, और वैसे भी जब आप बाहर जा रहे होते हैं तो जनरली इसी तरह होता है, कोई आगे कोई पीछे, अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से चल रहा होता है। तो अगर आप नोट करें उस वक्त मैं और समीन आगे थे, ठीक है, और उसके बाद आप अगले शॉट में देखेंगे समीन आगे आगे और तब मैं और आयशा साथ थे, और जब स्टोर से निकले थे तब भी समीन पीछे थी और मैं और आयशा साथ थे। तो ये इसी तरह चलता रहता, हम बगैर सोचे समझे जिस तरह चल रहे होते उसी तरह सारे व्लॉग में भी आ रहा होता है, और ऐसा कोई सीन नहीं था कि हम उसको इग्नोर कर रहे थे। ऑब्वियसली अभी हम उससे पूछते हैं वैसे कि हम उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे थे। अगर आप आज का व्लॉग भी देखेंगे उसमें भी कई बार ऐसा होगा कि कभी अम्मी पीछे है, आयशा पीछे, कभी समीन पीछे, कभी गोवा पीछे, इस तरह चल रहा होता है। और ज़ाहिर फुटपाथ पर आप चल रहे हैं तो सारे एक साथ भी नहीं चल सकते, क्योंकि आपने दूसरों को भी जगह देनी है जो आगे से आ रहे हैं या पीछे से तेज़ी से आ रहे हैं उनके लिए भी। तो तब आप सबको साथ ले कर हर वक्त नहीं चल सकते, ज़ाहिर हम पता कहाँ पहुँचना है और साथ साथ ही चाह रहे हैं, फिर पीछे मुड़ के बात भी कर रहे होते हैं सब कुछ, तो इस तरह ही ना नेचुरल अंदाज में चलता है सब कुछ, इसमें कुछ सोच नहीं होती कि जानबूझ के नहीं हम किसी को मतलब आगे पीछे कर रहे होते हैं। तो यहाँ जी आशा पहुँच रही है, इसे पूछते हैं आप इग्नोर, आपको फील हुआ कि हमने आपको इग्नोर किया है, है ना? मुझे महसूस हो रहा है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था हम अगली दफा और ज्यादा करेंगे इग्नोर आपको। शाबाश, मेरी बहन फिर बोल पड़ेगी। वैसे मुझे लगता है उनका नाम भी आयशा था और आपका भी आयशा, इसलिए उन्होंने किया है। फिर आयशा का दुख समझ तो लगता है इनके दुख सांझे हो गए थे। वैसे चले अभी हम थोड़ा आराम करते हैं, और एक्चुअली मैंने चाय नहीं पी, बल्कि किसी ने भी चाय नहीं पी, तो काम से आके वैसे मैं लाजमी पीता हूँ, तो आज नहीं पी क्योंकि हम बाहर चले गए, तो अभी जरूर पियेंगे। और चाय बनाएगा कौन?
समीन, समीन पहले कह रही थी कि चाय बनाने लगी है। दूसरा वैसे भी जो आर्टिस्टिक किस्म की चाय मैं बनाता हूँ वो अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने पिला दिया। अब ये तो नहीं कि हर रोज, फिर वो कदर भी नहीं रहती ना कि मतलब इतनी स्पेशल चाय नहीं, जो आप रोज बनाते हैं आप लोग खाना उसकी कदर है, लेकिन जो मैं बनाता हूँ वो आर्टिस्टिक होती है ना। तो अरे मैं चबले मार रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे तुम कहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, आपके चैनल है तो सब्सक्राइब करें, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।